हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं अभी जाऊं बाल कटवाऊं, बियर्ड सेट करवाऊं, या अभी बैठ के ये वीडियो बनाऊं। मैंने चूज किया ये वीडियो बनाना क्योंकि मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। मैंने कल ही अपने चैनल पे दिखाता हूँ, यहाँ पे दिस माय चैनल बूमिंग बुल्स, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, वी आर एट 602 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच 600,000 हमें पहुंचाने के लिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आई एम इंटरेस्टेड इन, 58% लोगों का वोट आया बिगिनर स्टेप बाय स्टेप सीरीज पे, 42% का वोट आया ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ओनली पे। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है क्या बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं दोनों बना रहा हूं, ठीक है। फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो अपने आप को एक्सपर्ट ट्रेडर मानते हैं, जो 6% लोग हैं, और जो इंटरमीडिएट ट्रेडर मानते हैं, मैं भी अपने आप को इंटरमीडिएट ट्रेडर मानता हूं, एक्सपर्ट मैं अपने आपको 3 साल बाद बोलूंगा, और बिगिनर ट्रेडर बहुत ज्यादा है, तो इन सब लोगों के लिए बोथ द सीरीज आई एम ब्रिंगिंग टू यू। सो लेट स्टार्ट द सीरीज, जिसमें और इस सीरीज के चलते चलते पैरेलली स्ट्रेटजीज भी आने वाली है, इंट्राडे स्विंग, क्रिप्टो फॉरेक्स, एवरीथिंग, साइकोलॉजी, एवरीथिंग। एंड फॉर द पीपल हु आर बिगिनर, चलो स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो नंबर वन पॉइंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा, अपने आपको समझाना पड़ेगा कि मैं गैम्बलिंग करने नहीं आ रहा हूं, मैं क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं आ रहा हूं, क्योंकि क्विक प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, मैं रेगुलर इनकम ट्रेडिंग से नहीं बना सकता, मुझे ट्रेडिंग से इररेगुलर इनकम मिलेगी। क्या आप तो उल्टा सोचते थे, नहीं, द ट्रूथ इज ट्रेडिंग कैन ओनली गिव यू इररेगुलर इनकम व्हेन यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट एज वेल, ओनली प्रोफेशनल्स कैन मेक अ इनकम व्हिच इज वेरी रेगुलर। तो मेरे आपको बताने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल भी जॉब छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, बिजनेस बंद करके ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना है कि उसको करते हुए मुझे पार्ट टाइम सीखना है, और सीखते सीखते आने वाले 1-2-3 साल के बाद में भी आप इसको रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हो। तो इट इज वेरी क्लियर टू यू, आप गैम्बलिंग, क्विक प्रॉफिट्स और रेगुलर इनकम भी अभी नहीं आ सकते। माइंडसेट प्रिपेयर हो गया आपका कि ठीक है, मैं एक स्किल सीख रहा हूं, जैसे सिंगिंग, डीजे बनना, या फिर एक डांसर बनना, या फिर कुछ भी प्रोफेशनल बनना, कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, तो उस स्किल को सीखने में, इवन जब जॉब करने जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या माइंडसेट होता है, उसका माइंडसेट होता है कि वो क्या करे, ट्रेनिंग ले, प्रोसेस सीखे। लेकिन यहां पे क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत ट्रिकी बात है कि देखो, हर जगह आपको मंथ एंड या वीक एंड में सैलरी मिलती है, यहां पे ना आज दिन एंड में मालूम चल जाता है क्या कमाया क्या गवाया, तो यहां पे पैसे का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो एज अ बिगिनर द फर्स्ट माइंडसेट यू नीड टू हैव दैट यू आर अ ट्रेनी, आप अभी सीखने आए हैं, और जब सीखने आएंगे तो आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि पैसे के ऊपर। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इवन एक्सपर्ट ट्रेडर्स फेस सम ऑफ द टाइम, दे गेट टू मच इन्फ्लुएंस बाय द मनी। उनको 2 लाख रुपए दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, या अब टाइम आ गया मेरे ट्रेड को कट करने का, वो होल्ड कर लेते हैं अपने गलत ट्रेड्स भी। जैसे कि अभी बहुत गंदा मार्केट फॉल हुआ मंडे को, कई सारे लोग जो स्विंग ट्रेड लेते हैं यूजुअली, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इतना मार्केट गिर जाता है फिर उसको होल्ड करने लगते हैं, तो स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। ऐसी गलतियां हमें नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर एज अ ट्रेनी। ट्रेनी का फोकस होता है प्रोसेस पे, स्किल सीखने पे, ना कि पैसे पे। बट प्रॉब्लम यही है, पैसे के कारण हर बिगिनर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आज ये 1,000 रुपए कमा लेता हूं यार, ये कर लेता हूं, थोड़ा रूल तोड़ना पड़ेगा बट आज मैं कमा लूंगा, और वहीं सारा गड़बड़ होता है। तो मैंने बता दिया, माइंडसेट शुड बी ऑफ अ ट्रेनी, नॉट ऑफ समवन हु इज हियर टू मेक मनी इन द स्टार्ट ओनली। द फर्स्ट पॉइंट गाइस आई हैव कवर्ड टू यू, द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट ट्रेडिंग इज माइंडसेट। जब माइंडसेट हो गया तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। Now the second point, in order to execute trading, you need to have a DMAT account. DMAT account क्या होता है? आपने कंपनियों का नाम सुना है, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटीज भी होती हैं, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एंड एन numbers ऑफ ब्रोकर्स आर देयर। तो दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। For beginners, I don't suggest you to go with full service brokers, क्योंकि बहुत ज्यादा charges लेते हैं, मतलब आपके transaction पे कुछ percentage निकाल करके लगभग 10 गुना ज्यादा ले लेते हैं Zerodha और Upstocks। यही दो मैं यूज करता हूं, और यही दो मैं प्रमोट करता हूं, यही दो मैं प्रेफर करता हूं। जहां Zerodha 20 रुपए लेता है, मुझसे 200 रुपए चार्ज किया गया था कोटक में, तो मैं सजेस्ट करूंगा सीधे सीधे आप ये Zerodha में अपना अकाउंट खुलवाएं। मैं दिखा देता हूं, दिस इज हाउ अ Zerodha इंटरफेस लुक्स लाइक। सिर्फ वॉचलिस्ट होती है, देखो यहां पे
HCL, वैसे मैं आपको खुद की वॉचलिस्ट दूंगा, आप उस वॉचलिस्ट पे काम करेंगे। आप यहाँ पे आकर के अपनी खुद की वॉचलिस्ट भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे रिलायंस लिखेंगे तो रिलायंस आ जाएगा, आपको सीधे यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए बॉक्स मिलता है, बताता है कि आपको बाय करना है तो आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है, होल्ड करने के लिए तो 2300 रुपए लगेंगे जितने का शेयर है, इंट्राडे करेंगे तो सिर्फ 500 रुपए लगेंगे, 5 गुना लेवरेज ज़ीरोधा देता है। और अब मजबूरन सारे ब्रोकर्स उतना ही देते, सेबी ने रूल लाया था लेवरेज हटाने का, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था कोटा, क्या महंगे ब्रोकर में रहने से ना ज्यादा लेवरेज मिलता था 50 टाइम्स का, आज सब बराबर देते 5 गुना, उसके ऊपर दे नहीं सकता। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई और ये अपना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गई, मैं भी कवर करूंगा इसके बाद। तो क्या समझ में आया, दिस इज ज़ीरोधा, यहां पे आके अपने फंड्स ऐड कर सकते हो, यहां पे आके अपनी होल्डिंग्स देख सकते हो कि आपने कितना होल्ड करा, आपने मतलब लॉन्ग टर्म क्या शेयर किए, या आपकी ऑर्डर बुक है कि आपने क्या क्या ट्रेड किया। मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, इसलिए आपको मेरी ऑर्डर बुक भी खाली मिलेगी, पोजीशन बुक भी खाली मिलेगी, क्योंकि मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट कल किया था, अराउंड 5.5 लाख का। तो जब भी मैं ठीक ठाक प्रॉफिट कर लेता हूं, मैं 2 से 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करता, इनफैक्ट जब लॉस होता तो भी नहीं करता, डिफरेंट पॉइंट था, ठीक है। तो आपको खोलना एक ब्रोकर अकाउंट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी ज़ीरोधा अकाउंट खुलवाने की, इनफैक्ट अपस्टॉक्स की भी मिल जाएगी, आपको वहां पे अकाउंट ओपन करवाना है और DMAT@boomingbulls.com पे अपने आईडी नंबर भेज देना है। क्यों, ये मैं बहुत सारी और फ्यूचर सर्विसेज निकालूंगा जहां पे मैं आपको हैवी डिस्काउंट्स या कुछ चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर अगर मेरे कोड से अकाउंट खुलवाते हैं तो DMAT@boomingbulls.com पे अपने आईडी भेज दीजिए, ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये लिंक देखो, यहां पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है ज़ीरोधा अकाउंट यूज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं। ओके चलो डन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हमने डीमैट अकाउंट भी खोल लिया, माइंडसेट बना लिया, अब हमको चाहिए कि हम किस पे ट्रेड करेंगे, कौन से शेयर को बाय करेंगे, कौन से शेयर को सेल करेंगे, उसको बोलते हैं वॉचलिस्ट बनाना। आ जाओ मेरे लैपटॉप पे, ये वॉचलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है, ये वॉचलिस्ट दिख रही है आप लोगों को, ये है गुड वॉल्यूम स्टॉक्स लिखा हुआ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एसबीआई, टाटा स्टील, टीसीएस, टाइटन, जील, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, जिंदल, जीएसडब्ल्यू स्टील, इंडिगो। मैंने आपके लिए सारे सेक्टर कवर कर लिए और ये सारे गुड वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, इनके बाहर आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपका यूनिवर्स है। आपने वॉचलिस्ट बनाई, अब ये वॉचलिस्ट कहां बनाई, ये दिख रहा है tradingview.com, ये लिंक है, यहां पे tradingview.com के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसको क्लिक करके वीडियो देख लेना अगर आपको ट्रेडिंग व्यू क्या होता है सीखना है। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आके अपनी वॉचलिस्ट बनाओगे और आप चार्ट्स खोल पाओगे। ओके, तो दिस इज माय वॉचलिस्ट गिवन टू यू। और हाँ, इसमें कम से कम 10-12-15 स्टॉक्स हैं, आप इनमें से सिर्फ 5 चूज करेंगे, एक बैंक से, एक आईटी कंपनी से, एक स्टील कंपनी से, एक ऑटो कंपनी से, ऐसे करके आप 5 की वॉचलिस्ट बनाएंगे। ये आपका यूनिवर्स है, आप इस पे होमवर्क करेंगे, लेकिन आप मेन 5 पे फोकस करेंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड काम था वॉचलिस्ट बनाना, आपने अपनी वॉचलिस्ट बना दी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फंडिंग, पैसा। अब फंडिंग करना है आपको अपना अकाउंट, तो कितनी फंडिंग करना है, ना अकाउंट खुलवाना बस है, फंडिंग 1 रुपए भी नहीं करनी। अब आपको करना है पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, ये एक लिंक है जिसमें मैंने ना पेपर ट्रेडिंग क्या होती है बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, प्लीज देख लेना, लेकिन मैं फिर से बताता हूं। पेपर ट्रेडिंग करने का मतलब है असली पैसा नहीं लगाना, अपनी स्ट्रैटेजीज जो मैं इसके बाद बताने वाला हूं उसको अप्लाई करना लाइव चार्ट्स में। देखो, एक होती है बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है चेक करने, एक होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग कि जब रियल टाइम पे मार्केट में कुछ हो रहा है तो आप वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी स्ट्रेटजी काम करती है क्या, कि मैं तुक्का मार रहा हूं, ये जानने के लिए आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो 1 से 3 महीने तक आप 1 रुपए भी बर्बाद नहीं करेंगे, आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे और अपना सिर्फ आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा, एसबीआई बाय करेंगे, कैसे कॉपी में लिख लेंगे मैंने 5000 का एसबीआई बाय किया, फिर आप हाँ यहां मैं एग्जिट करूंगा 2 बजे, 9 बजे बाय किया था 9:30 बजे, तो हाँ तो मैंने आज इतना पैसा कमाया, एक हिसाब बनाएंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इसलिए मैंने बोला सीधे इस वेबसाइट पे चले जाना, इस लिंक पे चले जाना, आपको पेपर ट्रेडिंग का पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ, पेपर ट्रेडिंग करने में एक चीज नहीं सीख पाओगे, साइकोलॉजी, बट कोई बात नहीं, साइकोलॉजी हम 3 महीने बाद, 1 से 3 महीने बाद सीखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अपने पैसों में आग लगाने से अच्छा है हम अम्मी पहले पेपर ट्रेडिंग करें। तो आई होप आपको चौथा स्टेप समझ में आया, व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। अब पांचवा स्टेप है एक्चुअल फंडिंग ऑफ द अकाउंट। अभी एक्चुअल फंडिंग करनी है अपन को अपने अकाउंट में, अपन को अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। तो हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो 10,000 से 25,000 तक ही पैसा डालेंगे एज अ स्टार्टिंग में, उसके ऊपर नहीं। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हम 1.5 लाख से 5 लाख तक ही डालेंगे, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। ओके okay? ओके okay.
अब आप बोलेंगे इंट्राडे और स्विंग में फर्क क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सुबह 9:30 से स्टार्ट करते हो ट्रेड करना और कैसे भी 3 बजे तक अपनी पोजीशन को कट कर देते हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि यार लॉस हो रहा है, कल तक इसको होल्ड कर लेता हूं, कल और लॉस हो गया तो नहीं, यू डिसाइडेड कि आज मेरे को ये ट्रेड करना, मैं इसे यहां पे कट कर रहा हूं, तो आप इसे को कट करते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें एक बेनिफिट होता है कि कम कैपिटल वाला जो 25,000 रुपए लेके आया है उसको 5 गुना लेवरेज यानी कि उधार देता है आपका खुद का ब्रोकर, ये एक्सचेंज समझ लीजिए, तो 25,000 का ऑटोमेटिकली 1,25,000 हो गया। हाँ, लेकिन उससे प्रॉफिट भी 5 गुना और लॉस भी 5 गुना होता है, तो अपन समझेंगे कैसे इंट्राडे करना आगे आने वाले वीडियोस में। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेड को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, इसमें हमको फ्यूचर्स नाम की चीज पे ट्रेड करना पड़ता है। एक चीज होती है, आपने सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, अभी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी स्ट्रैटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारी सबसे फेवरेट इंट्राडे वीवैप स्ट्रैटेजी, जिस वीडियो पे मेरे 2 मिलियन व्यूज हैं। गाइज, यू सी दिस वीडियो, इस पे क्यों 2 मिलियन व्यूज है, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आप इसको क्लिक, आप जितने मेरे वीडियोस बोले ना, राइट क्लिक करके ओपन करके छोड़ दो न्यू टैब में, पॉज और इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, इसके बाद जाके वो वीडियोस देखना। इसके बाद आपको ये वीवैप वाली स्ट्रैटेजी देखनी है, इसको देखने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है और अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाना है, खुद के एक रिकॉर्ड्स बनाने, खुद को प्रिपेयर करना है कि आप असली पैसे के पहले इस पैसे में ट्राई कर पाए, नकली पैसों में। असली पैसे में और नकली पैसे में क्या फर्क है बताता हूं। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। और जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाएंगे, मैं एक नई स्ट्रैटेजी देता हूं आपको और। ओके, अगर नई स्ट्रैटेजी चाहिए आप लोगों को, तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी पॉज करके लाइक कर दो, ताकि इसकी रीच और लोगों तक बढ़े, ताकि मेरा ये सीरीज बनाने का मतलब जो यह है कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हूं, बहुत जल्दी नहीं, जैसे एक सही तरीके से वैल्यू ऐड करके पहुंचना चाहता हूं, तो वो वैल्यू मैं ऐड कर पाऊं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी आप देख लेना, बट आ जाओ लैपटॉप पे, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके की दिखती है मेरी स्ट्रेटजी जो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि यहां पे देखोगे, एक आपको पिविट नाम का इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा है, नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई है और एक वीवैप नाम की लाइन है। जब कभी भी प्राइस इस तरीके से एक पिविट को और अपने वीवैप को ब्रेक करता है, लेकिन वो ब्रेक होना चाहिए 10:45 के बाद। तो 10:45 के बाद हम देख रहे हैं हम ऑलरेडी नीचे हैं और कहीं ना कहीं यहां पे स्टॉक रुका हुआ है। आप यहां पे आके यहां से एक ऐसी लाइन खींच सकते हो, यहां पे एक ड्रॉप कर सकते हो। जब ये लाइन को नीचे तोड़ा, हमें शॉर्ट करना है। अब नए लोग बोलेंगे शॉर्ट करना क्या होता है, 2 टाइप के ट्रेड होते हैं गाइस, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बाय करने को लॉन्ग, शॉर्ट बोलते हैं सेल करने को, मतलब बिना बाय किए सेल करना। हाँ, हम मार्केट में मालूम नहीं होता मैक्सिमम लोगों को, गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये मैंने वीडियो बनाया शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, प्लीज ये वीडियो देख लेना, आपको मालूम चलेगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है आपको मालूम चलेगा, उसके बाद आप यहां पे आके वापस देखोगे। तो हमको यहां पे इसको शॉर्ट करना था, जब हमने शॉर्ट किया तो हमने देखा कि हमारे ये जो दूसरे इंडिकेटर है ये भी हमको सेल दे रहा है। ये स्ट्रेटजी आपको सीखने मिलेगी डिटेल में। तो यहां पे हम अपना एक ट्रेड बनाते हैं शॉर्ट ट्रेड, कि हम यहां पे एक शॉर्ट करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई पे रखते हैं और हम ट्राई करते हैं 1:1.5 या 1:2 के आसपास का ट्रेड बनाना। 1:2 क्या होता है, 100 रुपए का लॉस करूंगा तो 200 रुपए कमाऊंगा, 1:2 दिख रहा है आपको, 1:2 या 1:1.5 ये स्ट्रेटजी देती है आपको। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी को सीखना है। मे बी नए लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 मिलियन व्यूज किसी रीजन से होंगे, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, प्लीज गो एंड लुक एट द स्ट्रेटजी। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी चूज कर ली, पहले पेपर ट्रेडिंग, बाद में असली पैसा। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट मेन पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या होता है, सिर्फ स्ट्रेटजी लगा देने से काम नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। अब रिस्क मैनेज करना क्या होता है, देखो एक टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है कि मैं डिसाइड करता हूं, अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपए पे खरीदा है और ये शेयर अगर 95 के नीचे गिरने लगे, तो भाई मुझे ना बिना मतलब मुझे ऑटोमेटिकली निकाल दो, मतलब मुझे आके बटन ना दबाना पड़े भाई सेल करना है, ये ऑटोमेटिक मुझे कट ऑफ कर दे, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप अपना एक टूल है स्टॉप लॉस जिसको यूज करेंगे, और स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, या जो वीवैप वाली स्ट्रेटजी दी है उसमें मैंने बताया स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो वो भी आपको वहां मिलेगा। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है स्टॉप लॉस, दूसरा टूल होता है रिस्क
पर ट्रेड, मतलब मैं किसी भी एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। क्या मैं मेरे अकाउंट साइज में अगर 1,00,000 रुपए है तो क्या मैं 20,000 का रिस्क ले सकता हूं कि 1,000 का ले सकता हूं कि 2,000 का कि 5,000 का। तो ये जो चीज होती है दोस्त गाइस, हम वो खुद डिफाइन करनी होती। बुक्स पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 1% के ऊपर खर्च ना करें, लेकिन वो $1,000,000 अकाउंट वालों के लिए है, या $100,000 मतलब 70-80 लाख रुपए वालों के लिए, 1 करोड़ वालों के लिए। आपका छोटा मोटा अकाउंट जैसे 1 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, 2 लाख का, 5 लाख का, तो हमारे लिए जो रिस्क डिफाइंड है वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बदलेगा 2% to 5%। 2 से 5% तक आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट साइज 25,000 रुपए का है तो मैं 1,000 रुपए के ऊपर लॉस नहीं करना चाहता, मतलब कि 4% के ऊपर लॉस नहीं करना चाहता। तो 25,000 का 1% होता है 250 रुपए, 250 रुपीज इंटू 4,000 रुपीज, तो 4 के ऊपर मैं लॉस नहीं करूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर आपने कोई 100 रुपए का, अगर आपने 100 रुपए का 100 शेयर लिए, ठीक है, जिस अगर आपने लेट्स से 10 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका, लेट से कोई शेयर लिया आपने कितने भी रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप 10 × 100 करेंगे तो 1,000 रुपए होता है, तो आप 100 क्वांटिटी के ऊपर शेयर नहीं खरीदेंगे। मतलब अगर आप 200 शेयर खरीदेंगे तो 2,000 का लॉस होगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस 10 रुपए का है। तो स्टॉप लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सुनने में कठिन लगा तो ये वीडियो बनाया मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, पूरा डिफाइंड वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को जाके देखें, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कभी अपने अकाउंट साइज का 2 से 5% के ऊपर लॉस ना करें, नहीं तो फिर आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएंगे। और ये बात है कि हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो हैबिट के ऊपर काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया गाइस रिस्क मैनेजमेंट। अब अगला जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका। हमारे साथ कोई चीज होती है अच्छी या बुरी, सरकमस्टेंस कुछ भी इवेंट आता है, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी आपको बताती है। यू नीड टू हैव अ विनिंग साइकोलॉजी, नॉट अ लूजिंग साइकोलॉजी, नॉट अ लूजर साइकोलॉजी। व्हाट इज अ लूजर साइकोलॉजी? लूजर साइकोलॉजी इज कि मैं हर ट्रेड में पैसा कमाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पॉजिटिव बनाते हैं कि देखो भाई मैं ट्रेडिंग करने आया हूं, कोई ऐसे कैसीनो में नहीं आया हूं जो मेरे पप्पा का है कि हर बार खेलूंगा और कमाऊंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप ट्रेड करते हैं तो देर आर ऑलवेज अननोन फैक्टर्स दैट मे कम एंड डैमेज योर ट्रेड, आपका ट्रेड खराब हो सकता है। तो कभी भी किसी ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि मैं इसमें ना पूरा का पूरा पैसा डाल रहा हूं, यार होगा तो होगा, बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने बोला ना आपको, स्टेप नंबर 1 माइंडसेट, गैम्बलिंग नहीं, ट्रेडिंग करनी प्रोफेशनल काम है, तो आपको साइकोलॉजी बनानी कि नॉट ऑल द ट्रेड्स दैट आई एम टेकिंग विल बी विनर्स, तो कुछ लॉसेस तो होंगे ही, तो जब जब लॉस होंगे मैं उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस मानूंगा, पार्ट ऑफ द गेम मानूंगा, ये मेरे बिजनेस करने का कॉस्ट है। जैसे कि अगर मैं कोई दुकान भी खोलता हूं तो मुझे बिजली बिल देना पड़ता है, मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, मुझे मेरा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए काम की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ भी ऑफिस खोलूंगा, मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, थोड़ा बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं दूंगा मैं बिल तो बिजली कट जाएगी, इंटरनेट वाले को थोड़ा बोल सकता हूं कि नहीं भरूंगा मैं रिलायंस जियो का बिल, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कहां से चलेगा ये सब। तो यही बात है कि जब भी लॉस होगा साइकोलॉजी होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मैं इसको खर्चे की तरह मान रहा हूं, क्योंकि कभी भी किसी बिजनेस का टर्नओवर इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट, टर्नओवर माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, बट इन ट्रेडिंग पीपल थिंक प्रॉफिट इज प्रॉफिट, नो द प्रॉफिट इज टर्नओवर, लॉस इज एक्सपेंस, जो बचा वो प्रॉफिट है, लोगों को ये मालूम नहीं। तो दिस इज द साइकोलॉजी यू नीड टू अडैप्ट गाइस, कि आपको साइकोलॉजी के थ्रू कभी लॉस हो तो डर के दुखी मत हो जाओ, जबकि जस्ट कीप डूइंग, अंडरस्टैंड दिस वाज द एक्सपेंस, अभी जो बचा वो प्रॉफिट है, ऐसा करके आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है। तो आई होप आपको ये मैंने एक पूरी जर्नी दी माइंडसेट से लेकर के साइकोलॉजी तक की, शुरुआत से लेकर की इसकी, अब बीच में बहुत सारी चीजें जो आपको मैं फ्यूचर में धीरे धीरे बनाऊंगा वीडियो, इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाएंगे, बिगिनर सीरीज कंटिन्यू होते रहेगी, हरी नई भी होगी तो मैं बनाते रहूंगा, बट अगर आप हेल्प करोगे मेरे को 1 मिलियन जल्दी से रीच करने में तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, लेट इट बी अ टू वे प्रोसेस, राइट। अब थोड़ा सा बोनस पार्ट आप सब लोगों के लिए, अब कुछ चीजें बिगिनर सबसे ज्यादा जो सुने होंगे वो होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, एक वर्ड होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, लगभग 1.5-2 लाख रुपए का एक लॉट आता है एवरेज पे, तो 1.5-2 लाख रुपए, हाँ थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसमें भी थोड़ा सा एक्चुअली पहले बोलते थे बहुत ज्यादा मतलब लॉस हो सकता है क्योंकि उसमें भी मार्जिन ज्यादा मिलता था, अब तो मार्जिन भी उसमें भी कम हो गया है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग उतनी ज्यादा रिस्की नहीं रही। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जहां पे 15-1.5 लाख लगता है ऑप्शन खरीदने में,
5,000-6,000 में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आ जाता है। क्या होता है ऑप्शन? तरीका है ट्रेड करने का। जैसे चीज सुना होगा आपने नाम निफ्टी और बैंक निफ्टी, ट्रेड करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शन या फ्यूचर के थ्रू पॉसिबल है। तो लोगों के पास क्या ज्यादा पैसे नहीं होते रिटेलर के पास, तो वो फ्यूचर नहीं करता, वो आ जाता है ऑप्शन करने के लिए। भाई 10,000 में एक लॉट आ रहा है, 5,000 में एक लॉट आ रहा है, 6,000 में एक लॉट आ रहा है निफ्टी का, 15,000 में। तो क्या इंसान लालच में क्या करता है, तुरंत तुरंत ट्रेड करना चालू करता है ऑप्शन में, मोस्टली दूसरों की टिप के कारण, जो फोन आते हैं, टेलीग्राम में ऐड करते हैं आपको, आपको परेशान करते हैं। अगर गालियां सुनना पसंद है आपको, नहीं मतलब गालियां सुनना पसंद है मतलब अगर गालियां सुन सकते हो तो एक वीडियो बनाया मैंने इसी तरीके की, जो गलत चीजें होती मार्केट में, जरूर देखना, लेकिन ईयरफोन्स लगा के देखना, थोड़ा सा मैंने इसमें गालियां वगैरह दी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा मेरा रियल फ्रस्ट्रेशन था, मेरे साथ भी कुछ बुरा हुआ था लाइफ में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की जो चीज होती है वो आपको ले डूबेगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे एक्सपर्ट लेवल की चीज होती है। अगर आपको मान लो कोई काम करना है, कैसे स्टार्ट करते हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, टाइम लगता है ना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो चीज होती है गाइस, वो जो इंसान 3-4 साल से मार्केट में वही कर सकता है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप इस तरीके का वीडियो देख रहे हो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली ऑप्शंस ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, तो आपको इससे दूर रहना है। हालांकि मैं तीसरा या चौथा वीडियो व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग बनाऊंगा आपके लिए, अच्छा मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग हैं जो हमको करना है, तो देखो ये सीरीज है मेरी पूरी की पूरी, आप यहां पे क्लिक करेंगे इस वीडियो पे, पूरी सीरीज मिलेगी देखने की, ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होते हैं, आप देख लो, नहीं तो दोबारा मैं बनाने वाला हूं एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से रख करके। तो गाइस आई होप मैंने आपको बताया किस चीज से दूर रहना है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से। अगर करियर बनाना चाहते हो, गैम्बलिंग करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करें, निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट और कॉल खरीदने लगे, जबकि आपको मालूम भी नहीं क्या होता, ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदना, नीचे जाएगा तो पुट खरीदना, इतना आसान होता तो कोई भी कर लिया होता, नहीं है इतना आसान। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड यू गाइस। नाउ आई होप मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर थे, जो एक इनफैक्ट मैं लोगों से मिलता रहता था, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तो लोग मुझको बोलते थे कि भाई हम कहाँ सीखे, मैं बोलता था अपने मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल पे आज मैंने एक पहला ऐसा वीडियो डाला है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो आई विश कि आप सब लोगों को पसंद आया हो, और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सारे अपने दोस्तों को शेयर करें, फैमिली में शेयर करें जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी ऑल्सो। ठीक है गाइस, अगर आपके कॉमेंट्स अच्छे आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज कॉमेंट करके बताएं कैसा फील हुआ, क्या लगा, क्या चीज आप और मेरे से बनवाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियोज में कॉमेंट करोगे तो आपको बहुत मजा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, नॉट जस्ट फॉर स्टॉक मार्केट बट फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आपको अब इस चैनल पे बहुत कुछ देखने मिलेगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज कमेंट करके बताना कैसा वीडियो लगा, ताकि बिगिनर्स को मालूम चले, और आप लोगों को जिनको स्ट्रैटेजीज चाहिए ऑन द वे, सब कुछ आने वाला है। तो दिस इज द न्यू एरा ऑफ यू कैन से बूमिंग बुल्स चैनल, कि हम अब सीधे 1 मिलियन की जर्नी चालू कर चुके हैं, जो आने वाले 6 मंथ्स के अंदर हम अचीव करने वाले हैं। जून से जुलाई तक हम अपना 1 मिलियन टारगेट हिट करना है, इसके लिए आप ही मेरी मदद करोगे, तो स्टार्ट शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।